हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन कलाल मुंबई से, लीवर स्पेशलिस्ट। जब लीवर फ्रेंडली डाइट की बात आती है तो इवन एक्सपर्ट्स और पेशेंट गुमराह हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। तो मिथ ये है कि लीवर फ्रेंडली डाइट या डिटॉक्स डाइट या जूस लीवर को क्लीन करता है और लीवर को रिजनरेट करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं सच्चाई। तो सच्चाई ये है कि लीवर खुद एक डिटॉक्स ऑर्गन है, उसे किसी एक्स्ट्रा लीवर फ्रेंडली या डिटॉक्स जूस और डाइट की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम ऐसा डाइट या जूस यूज़ करते हैं तो हम लीवर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट से, अत्यावश्यक पोषक तत्वों से वंचित रख सकते हैं। तो सही मायने में ये गलत है। और इनफैक्ट लीवर फ्रेंडली डाइट मतलब कुछ अलग नहीं है, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है और हमें ऐसा डाइट का सेवन करना है जो होलसम हो, जिसमें मोर ऑफ वेजीज हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोसेस फूड कम हो और मॉडरेशन शुड बी द की। दूसरा मिथ, कॉफ़ी शरीर के लिए हानिकारक है। तो सच्चाई ये है कि कॉफ़ी शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। अगर ब्लैक कॉफ़ी 2 से 3 कप दिन में हम पीते हैं तो ये इनफैक्ट लीवर के लिए अच्छा है, क्योंकि कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लीवर की सूजन या इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। इनफैक्ट हाल ही में हुए कुछ रिसर्चेस में पाया गया है कि कॉफ़ी अगर हम मॉडरेशन में, ब्लैक कॉफ़ी अगर हम मॉडरेशन में यूज़ करते हैं तो वो लीवर डिसीज़ का प्रोग्रेशन को रोकती है, इवन कैंसर को कुछ हद तक कम करने में भी मदद करती है। तो ब्लैक कॉफ़ी, रिमेंबर, ब्लैक कॉफ़ी का सेवन हम कर सकते हैं मॉडरेशन में 2 से 3 कप। तीसरा मीथ, फैट लीवर के लिए हानिकारक होता है। तो आइए जानते हैं सच्चाई। सच्चाई ये है कि सारे फैट्स लीवर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ओनली ट्रांस फैट जो प्रोसेस फूड में होते हैं, जो फ्राइड आइटम में होते हैं, वो लीवर के लिए हानिकारक होते हैं और लीवर की बीमारियों को बढ़ावा दे सकते हैं। बट अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो नट्स में पाए जाते हैं, ऑलिव ऑयल में या फिर फिश में, ये लीवर के लिए अच्छे होते हैं। अगेन, मॉडरेशन इज द की। अगला मिथ है कि अगर मैं फैट को कम्प्लीटली अवॉइड करूं तो मैं एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या शुगर खा सकता हूं। तो सच्चाई ये है कि एक्सेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या शुगर उतनी ही हानिकारक है जितना कि एक्सेस फैट है। बिकॉज अगर हम एक्सेस सेवन करते हैं, अति सेवन करते हैं रिफाइंड शुगर्स का या फिर कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि शुगरी ड्रिंक या फिर प्रोसेस फूड, तो ये सब चीज़ों की वजह से लीवर में फैट एक्यूमुलेशन होता है, लीवर में सूजन बढ़ती है और लीवर के डिसीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगेन, मॉडरेशन इज द की। अगला मिथ है कि फास्टिंग या इंटरमीडियंट फास्टिंग लीवर को रिकवर करने में मदद करती है। तो सच्चाई ये है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग या प्रोलॉन्ग फास्टिंग आपको वेट लॉस करने में मदद कर सकती है, स्पेशली अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ है और आप ओबीज हो। बट एक्सट्रीम फास्टिंग और एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग फास्टिंग कैन बैकफायर। जी हाँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक फास्ट करते हैं तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो लीवर में एक्स्ट्रा स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं और लीवर की जो नॉर्मल प्रोसेस है रिपेयर करने के लिए या नॉर्मल लीवर फंक्शन में इंटरफियर कर सकते हैं। तो इनको अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टरी सलाह के बिना इसे नहीं अपनाना चाहिए।